आपको बता दें सीनियर वकील आरसी गुप्ता के सेक्स एल्बम का मामला ये है। आरोपी वकील की दूसरी महिला स्टाफ ने सुसाइड की धमकी दे दी है। वायरल वीडियो के लिए आरोपी वकील को महिला स्टाफ ने जिम्मेदार बताया है। साथ ही साथ सेक्स मामले में दूसरी महिला स्टाफ का अश्लील वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कैमरे पर आरोपी वकील ने महिला स्टाफ से स्वीकार किया है संबंध। वहीं पीड़ित महिला स्टाफ ने आरोपी वकील से जताया है जान का खतरा। सेक्स वीडियो वायरल होने के बाद परिवार और समाज ने छोड़ा। आपको बता दें आरोपी वकील के खिलाफ अब तक 2 महिला स्टाफ सामने आई हैं। वहीं पुलिस ने एक भी मामले में अब तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं बीजेपी नेता अरविंद माडवाड़ी का मामा है आरोपी वकील, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही सुसाइड करने के लिए लड़की मजबूर है, पुलिस फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर बड़ी सवाल। अतुल हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अतुल, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, मेरठ के एक वकील साहब का मामला, वकील साहब की वीडियो वायरल होती है, अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद जो लड़कियां हैं वो उनका पता नहीं है। पुलिस ने एक भाई के कहने पर जो भाजपा नेता है उसके एक संपर्की से मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा नेता के रसूखों के आगे कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस दबते ही नजर आ रही है, काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। जो बेटियां हैं वो लगातार जान की सुरक्षा की गुहार लगा रही है। बीते दिन की अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले ही दिन निकलते ही महिला अधिवक्ता की गोली मार करके हत्या की गई थी। महिला अधिवक्ता ने एडीजी आईजी एसएसपी सभी अधिकारियों के यहाँ अपनी जान का खतरा जताया था। वहीं अगर देखा जाए तो दूसरा पहलू यह सामने आ रहा है जिसमें जो महिला है वो अपनी जान का खतरा बताते हुए ऑडियो वायरल कर रही है, लेकिन जो मेरठ पुलिस है उसकी कान पर जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं भाजपा नेता के दबाव में काम करती हुई नजर आ रही है। रमेश चंद्र गुप्ता जो वकील है उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष था बार एसोसिएशन से तो उसको भी रद्द कर दिया गया, उसे इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो बार एसोसिएशन की तरफ से कार्रवाई का दौर जारी है। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं भाजपा नेता के रसूखों के आगे, अरविंद मारवाणी के रसूखों के आगे पुलिस कोई कार्रवाई वकील साहब पर करती हुई नजर नहीं आ रही है। जो बेटियां हैं वो लगातार दर दर भटक रही है, अपहरण का मुकदमा दर्ज है, लेकिन बाहर में जाकर के महिला कर्मी है वो लगातार अपनी जान की सुरक्षा की और अपने न्याय की सुरक्षा के लिए लगातार फरियाद लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मेरठ पुलिस की बात की जाए तो पुलिस इतनी बड़ी लापरवाह हो चुकी है कि बेटियों की जान नहीं बचा पा रही है। बेटियां ऑडियो बना करके ऑडियो और अपनी वीडियो वायरल कर रही है कि हमारी जान को खतरा है, जो अधिवक्ता है वो धनाढ्य है, कहीं ना कहीं उसके पास पैसे की पावर है, और नेता की बात की जाए तो सगा मामा उसका महानगर का महामंत्री है अरविंद मारवाड़ी, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो मेरठ पुलिस बड़ी लापरवाही करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त देखना यह होगा कि क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। रमेश चंद्र गुप्ता जो अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, जो जिस तरह से कृत्य सामने आता है, वीडियो वायरल होती है, अभी तक 2 बेटियों ने खड़े होकर के अपनी आवाज उठाने का काम किया। अभी ऐसी कितनी बेटियां हैं जो इस वक्त पीड़ित रही हैं और अधिवक्ता के रसूखों के आगे, क्योंकि अधिवक्ता का संपर्क भाजपा से है और भाजपा के रसूखों के आगे कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं अपनी आवाज दबा करके पूरे मामले पर अब क्या जांच का कोई मामला सामने आया है? क्या पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना, अगर आपकी बात हुई हो कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही जो कि मामला दर्ज नहीं किया गया? क्या बीजेपी नेता के दबाव में आकर पुलिस काम कर रही है? बिल्कुल, ये आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है कि बीजेपी नेता के रसूखों के आगे मेरठ पुलिस बेबस नजर आ रही है। मेरठ पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, जो बच्चियां हैं उनका अपहरण का मुकदमा लिखा गया है, एक बच्ची का, उसके जो नाबालिग बच्ची है, देखिए नाबालिग बच्ची चैंबर पर काम करती थी, क्लर्क का काम करती थी, पेपर में एडवर्टीजमेंट देख करके बच्ची वहां पर अपना काम करने के लिए पहुंची थी, वहां पर उसका शोषण किया जाता है और उसके बाद अगर वो बच्ची शिकायत करती है तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता, बार एसोसिएशन के यहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है। 27 तारीख में उसी बच्ची का एक थाना दौराला में मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसमें अपहरण दिखाया जाता है, लेकिन पुलिस गश्ती करना भूल जाती है, पुलिस भूल जाती है कि लड़की का अपहरण हुआ है, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लेती है भाजपा नेता के रसूख की। यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस के सामने आ रही है, हालांकि देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है और न्यूज वन इंडिया लगातार इस खबर को दिखाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।